अच्छा, अभी हम ये बात कर रहे थे फ्लाइट डिलेज की। तो ये पेपर मैंने आपके सामने, फ्लाइट डिले प्रेडिक्शन, ये मैंने साई हब से लिया है। साई हब पर ये लिखा मैंने, ये आप वो IEEE के पेपर्स जो आपको पैसे देकर लेने पड़ते हैं, तो साई हब पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते, यानी कि मिल सकता है ये रिसर्च का पेपर आपको। ये देखिए पेपर मिलेगा, फ्लाइट डिले प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एविएशन बिग डाटा एंड मशीन लर्निंग। लेकिन ये रिसर्च काफी पुरानी लगती है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल इसमें यूज हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है आपने, डब्ल्यू लैन डाटा सेंटर से ले रहा है, डिस्प्ले डाटा हो रहा है, तो ये ओमनी एंटीना लगा है, और सर्विलियंस स्टेशन से डाटा सेट लिया जा रहा है, और फ्लाइट डिलेज ये देखें, ये सैटेलाइट से डिलेज बता रही हैं कि कौन कौन सी एरियाज में, ये रीजन्स को, पूरे रीजन को स्कैन कर रहा है, कौन सी फ्लाइट्स डिले। फ्लाइट्स डिले मीन्स कि बिजनेस डिलेज तो ये नहीं होने चाहिए। ये देखिएगा एरियल व्यू लिया गया फ्लाइट का, रडार स्क्रीन है, ट्रांसफर है, और फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक यूज हुई है, इंश्योरेंस प्लेन है, मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स हैं। ये पूरा पेपर मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया है, और ये इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज हुआ है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के जरिए इसको, LSTM मॉडल यूज हुआ है, डीप लर्निंग मॉडल यूज हुए हैं इसके अंदर। तो ये लेयर है, ये इसकी अपना एल्गोरिदम जो यूज हुआ है, वो एल्गोरिदम मैं आपको बता देता हूँ। डाटा सेट का कोई वेरिएबल है, जो फीचर सिलेक्शन है D1 D2, और एट्रीब्यूट को सेट किया, आउटपुट रूट नोड है। इफ डी इन डी इक्वल सेम क्लास सी देन एन रिटर्न एन nth नंबर कोई भी, तो इफ ए इक्वल इक्वल एम टी और एन डी इक्वल इक्वल सेम एट्रीब्यूट वैल्यू देन सी एंड, फॉर लूप लगाया हुआ है और एंड केस है। ये एल्गोरिदम मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ये एल्गोरिदम बड़ा ही मीनिंगफुल एल्गोरिदम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये IEEE का पेपर है। अच्छा, उसके बाद इसमें ग्राफिकली एरर्स दिखाए गए हैं, तो ये पेपर है। अब मैं इस पेपर को मिसाल के तौर पर, IEEE का है, अगर मैं रिसर्च लेना चाहूँ, ये 2019 की है, 2020 में देखे डाटा फ्लाइट डिले का क्या था, IEEE का ही लेते हैं ये भी सेटम। अप्लाई मशीन लर्निंग एविएशन बिग डाटा फॉर फ्लाइट, एविएशन सिस्टम होता है एयरपोर्ट पर जो कि तमाम फ्लाइट्स की मॉनिटरिंग करता है। अभी हम साई हब पर जाकर ये वाला पेपर लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और ये पेपर मैं दोबारा जाकर ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन करते हैं, लेट्स सी ये पेपर है भी या नहीं। जी ये पेपर है। अच्छा, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए अप्लाई मशीन लर्निंग एविएशन बिग डाटा, एविएशन सिस्टम होता है ये दुनिया में, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। फ्लाइट डिले हैज बीन, ये पेपर पब्लिश हुआ था 2020 में, तो फ्लाइट डिले हैज बीन अ सीरियस एंड वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, वन प्रॉमिसिंग सोल्यूशन इज द फ्लाइट डिले प्रिडिक्शन, ऑल द बिग डाटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग हैव बीन अप्लाइड। ठीक है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट को आपने पकड़ना है और कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करके, तो अब आपने इस रिसर्च को समझना है, कॉपी करके विंडो विन वर्ड लिखना है, तो यहां पर आप आए और यहां पर इस एब्स्ट्रैक्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, एक लाइन लगानी है, फिर दूसरा रिसर्च पेपर लेना है यहां से, ये वाला जो हमने ये वाला पढ़ा था, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहां से कॉपी किया और इसी के नीचे ले जाके आपने पेस्ट कर देना है। इसको सेव कर दें आप, बेशक रहने दें या ना करें, तो इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट पेंटर लगा देते हैं, जो हम इसकी फॉर्मेटिंग है थोड़ी सी दुरुस्त कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये फ्लाइट डिले हैज बीन सीरियस अ वाइड स्प्रेड, हैज बीन अ सीरियस एंड वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमने उधर से लिया, साई हब से लिया पेपर, तो एक पेपर हम लेते हैं थोड़ा सा लेटेस्ट वाला, फ्लाइट डिले प्रिडिक्शन विद मशीन लर्निंग, ये वाला पेपर है। ये पेपर है जी, फ्लाइट डिले प्रिडिक्शन बेस्ड मशीन लर्निंग विद मशीन लर्निंग, ये का टाइटल है, इस कॉपी करते हैं इस टाइटल को और साई हब पर जाते हैं। ये पेपर पहले हम वो रिजल्ट इसका देख लें, इसके अंदर भी डीप लर्निंग मॉडल यूज हुए हैं, फ्लोरिडा टेक्सास और कैलिफोर्निया में ये फ्लाइट्स डिलेज हुई हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल यूज किया गया है, तो इसमें पेपर को पेस्ट करते हैं हम, ये भी नई पेपर है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया है, तो दो एब्स्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किए हैं, तो इस एन एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ना है आपने, और रिसर्च को आप अपनी बना सकते हैं। तो आई थिंक मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।